बिलेन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि शेष अभी इसका बचा हुआ भाग है। इसके अंतर्गत देखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए कि जब एक अवाष्पशील बिले विलायक में डाला जाता है, जब एक अवाष्पशील बिले विलायक में डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। क्यों, इसके बारे में बताया गया था, फिगर बनाकर स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में डालते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन यानी जो घटने की प्रक्रिया है, वाष्प दाब में जो कमी है उसी को कहा जाता है वाष्प दाब का अवनमन। यहाँ पर जो ये शब्दकोश प्रयोग किया है अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। अब वाष्प दाब के जो अवनमन है इससे कई तथ्य संबंधित है। जैसे पहला है विलाय के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक का मतलब हुआ है किसी के साथ तुलना, सपोज डेट उसका स्वयं के शुद्ध अवस्था से हम उसका तुलना कर सकते हैं, तो वह अपेक्षिक कितना अवनमन हुआ, जिसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। दूसरा है विलायक के हिमांक का अवनमन, क्योंकि अवाष्पशील वाले कंडीशन में बताया गया है कि जो भी बात होगा विलायक पर होगा, विलेय पर नहीं, क्योंकि वह एक अवाष्पशील पदार्थ। तो यहाँ पर पहला कंडीशन था हम लोगों का कि विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, विलायक के हिमांक का अवनमन क्या है, तीसरा है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और विलयन का परासरण दाब। यानी चार तथ्यों का हम लोग अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला पॉइंट है विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। चौथा है विलयन का परासरण दाब। तब यहाँ पर एक डिफिनीशन है, जैसे क्वेश्चन आता है कि अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है जिसका जवाब देना होता है। तो इसका ये डिफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा कि यह सभी गुण, कौन सा गुण, तो ऊपर ये जो चार बताया गया, यह सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या यानी किसी विलयन में जो कि एक अवाष्पशील पदार्थ है, विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, यानी कह रहा है कि यदि सभी ये जो सभी गुण है विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि विलेय के कणों के प्रकृति पर। यानी कहने का मतलब ये चारों जो गुण धर्म है विलेय के कणों के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि विलेय के कण का साइज क्या है, कैसा प्रकृति है, धनायन है कि ऋणायन है, इन बातों पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल उस बात पर निर्भर करता है कि विलयन के कुल कणों की संख्या क्या है और विलेय के कुल कणों की संख्या का अनुपात क्या है, इसी बात पर उसे निर्भर करे। इसलिए इन गुणों को कहा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म, जो उसके अणु पर केवल निर्भर करेगा, तो उसका प्रकृति पन है। अब इसके अंतर्गत पहला पॉइंट में बताया था कि विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलायक वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। यहाँ पर देखिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हेडिंग है, सभी को हम अलग अलग हेडिंग के तौर पर अध्ययन करेंगे हम लोग। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, इसमें चूंकि हम लोग ये पॉइंट सीखे हैं कि विलायक का जो विलयन में वाष्प दाब है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है, ये सिद्धांत राउल्ट के नियम में बताया गया।
राउट का नियम क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कि पी वन इज इक्वल टू या पी वन प्रोपोर्शनल डेट एक्स वन, सो पी वन इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी नॉट। तो ये जो आंशिक दाब है राउट के अनुसार, ये पी वन नॉट से छोटा होता है अर्थात कम होता है। तो उसी बात को है कि विलायक का विलयन में जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक वाष्प दाब से कम होता है, ये सिद्धांत किसमें हम लोग पढ़े हैं, तो राउट के नियम है, जो कि उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अतः जो वाष्प दाब एवं मूल अंश में एक संबंध स्थापित होता है, वह रिलेशन क्या है उसको हम लोग देखें। जैसे यहाँ पर देखिए, ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम क्या है, पी वन इक्वल टू एक्स वन इंटू पी नॉट बताया गया है, और जब शुद्ध अवस्था में था तो उस समय इसका कितना है वाष्प दाब, तो पी वन नॉट है। तो बताइए कि कितना परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा पी वन इक्वल टू हो जाएगा पी वन नॉट माइनस पी वन। पी वन नॉट क्या है, तो जब विलायक शुद्ध अवस्था में है उसका वाष्प दाब है, अब विलयन की अवस्था में वाष्प दाब कितना है, तो पी वन है। तो चूंकि पी वन कम होता है पी वन नॉट से, इसलिए पी वन नॉट से पी वन को घटा देंगे, तो यह हो जाएगा डेल्टा पी वन। बट पी वन बराबर है क्या, तो यहाँ पर देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार पी वन नॉट इंटू एक्स वन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए पी वन नॉट तो पी वन नॉट मैं ले लिया तो हो गया एक्स वन माइनस वन माइनस एक्स वन, जहाँ एक्स वन क्या है तो मूल अंश है। राउल यहाँ पर वाष्प दाब का अवनौन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो राउल्ट के नियम के अनुसार पी वन इक्वल टू एक्स वन पी वन नॉट हो गया, और जब डेल्टा पी वन हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना का कमी हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका आज से दो दिन पहले मूल्य था 100 रुपये है और अब है 80 रुपये, तो कितना का कमी हुआ, तो क्या करते हैं 100 से 80 को घटा दिए, दो यानी 20 रुपये का कमी हो गया। ठीक वैसे ही शुद्ध अवस्था में पी वन नॉट था और विलयन की अवस्था में पी वन है, तो कमी कितना का हुआ, तो डेल्टा पी वन इक्वल टू पी वन नॉट माइनस पी वन, बट पी वन इक्वल टू एक्स वन पी वन नॉट, इस मान को रख दिया गया, यहाँ से पी वन नॉट कॉमन है, कॉमन में ले ली। चूंकि पिछले वीडियो में जब मोल अंश का हम लोग गणना कर रहे थे, तो उस समय एक पॉइंट में समझाया था कि एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू होता है 1, द्विअंगी विलयनों के लिए मोल अंशों का योग चाहे कोई भी विलयन हो तो उसमें मूल अंशों का योग 1 होता है। तो यहाँ से बताइए कि एक्स टू इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स वन। तो ये जो 1 माइनस एक्स वन है इसके स्थान पर रख दिया गया एक्स टू क्या है, तो एक्स टू जो विलायक है यानी जो घुला हुआ है विलेय है, विलेय का मूल अंश है एक्स टू क्या है, तो जवाब होगा विलेय का मूल अंश। अब यदि इस इक्वेशन से देखा जाए तो ये जो पी वन आठ है गुणा के रूप में इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा पी वन बाई पी वन नॉट, बट डेल्टा पी वन इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा पी वन इक्वल टू होता है पी वन नॉट माइनस पी वन, इस मान को रख दिया गया। तो ये जो वैल्यू है ये जो मान है यह मान किसके बराबर है, तो जवाब एक्स टू के बराबर है, जहाँ एक्स टू क्या है तो दूसरे घटक यानी विलेय का मूल अंश है, और ये क्या है हम लोग का अपेक्षित अवनमन में कमी। मैं कहा था ना कि जो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है उसका अगर तुलना किया जाएगा उसके सापेक्ष कमी का, तो उसे ही हम कहते हैं अपेक्षित कमी, इसी को कहा जाएगा वाष्प दाब का अवनमन, अपेक्षित अवनमन। यहाँ पर हो गया अपेक्षित अवनमन पी वन नॉट माइनस पी वन अपान पी वन नॉट इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू, जहाँ एक्स टू बताया गया कि जो विलेय है उसका मोल अंश है, इसका क्या है मोल अंश है। तो यहाँ पर देखिए उसी बात को बताया गया है कि अतः वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो कि अनुपात जो आया है, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को कहेंगे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन।
तो उसी बात के यहाँ पर लिखा गया है कि जो इक्वेशन अभी आया था, यही इक्वेशन था ना जो x2 में यहाँ पर लिखा था, देख लीजिए इसको, ये वाला पॉइंट। तो ये जो बायां पक्ष है, यह बायां है और ये दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष में इसे ही कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक त्वरण। तो उसी बात के यहाँ पर लिखा गया है कि समीकरण में बाईं ओर का लिखा गया जो पद है वह वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, तथा इसका मान विलेय के मोल अंश, इसका मान विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। इसका मान विलेय के क्या होता है, तो जवाब है मोल अंश के बराबर होता है। अब मोल अंश क्या है, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े थे कि मान लिया जाए कि ये कोई पात्र है और इसमें दो घटक है, पहले का मान लीजिए कि N1 मोल है और दूसरा N2 मोल है। तो पहले घटक के मोल अंश को इंडिकेट किया जाता है X1 से, तो X1 इक्वल टू होता क्या है, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक वैसे ही X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है आपेक्षिक अवनमन, इसका मान X2 के बराबर था, बट X2 बराबर क्या होता है, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। लेकिन जब बात तनु विलयन का, किसका, तनु विलयन का, तो तनु विलयन किसे कहते हैं, तो जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, और जब विलेय की मात्रा कम होगा तो उसका मोल अंश भी क्या होगा, कम होगा। तो यदि तनु विलयन के लिए कंडीशन क्या है कि N2 इज लेस देन N1, इसका मतलब यह है कि N2 का मान N1 की तुलना में इतना कम है, इतना कम है कि अगर हर से N2 को हम छोड़ भी दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कोई राशि है, सपोज डेट N1 इज इक्वल टू, मैं 2 दे दिया और N1 इज इक्वल टू में दे दिया 0.00001। अगर इसको हम ऐड भी करते हैं तो 2.00001, यानी लगभग हम जवाब क्या देंगे, 2 देंगे। तो N1 की तुलना में N2 सूक्ष्म राशि है, अतः हर की जो राशि है इसमें से अगर N2 को हम छोड़ दें तो उस अवस्था में हम लोग का जवाब हो जाएगा P1 naught माइनस P1 अपॉन P1 naught इज इक्वल टू N2 बाई N1। ये नहीं रहेगा N2 बाई N1, जहाँ N2 विलेय का मूल अंश है, N1 विलेय का मूल अंश। अब ये मूल अंश कह रहे हैं मूलों की संख्या है और ये विलेय के मूलों की संख्या, तो विलेय के मूलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय के मूलों की संख्या। तो मूल की संख्या इज इक्वल टू बताया गया है कि मोल इज इक्वल टू होता है भार बटे में अणुभार, क्या होता है, भार बटा अणुभार, इसके बारे में बताया गया है। तो भार W, अणुभार कैपिटल M। तो यहाँ पर देखिए पहला है, तो इसके लिए मैं इंडिकेट कर दिया कि W2 बाई M2, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, गुणे हो गया M1 बाई W1। ये कैसे, तो जब इसका मान हम लिखेंगे W1 बाई M1, तो ये M1 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा M1 बाई W1। तो इस तरीके से ये जो व्यंजक मिला है यह व्यंजक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को इंडिकेट करता है, जहाँ W1 और W2 तथा M1 और M2 क्रमशः विलायक और विलेय की मात्रा एवं मोलर द्रव्यमान को इंडिकेट करता है। विलाय का द्रव्य मात्रा क्या है, W1, विलेय का क्या है, W2। ये जो M1 है विलाय का अणुभार है, M2 किसका है, विलेय का अणुभार। बहुत सिंपल प्रक्रिया था। अब इस पर एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 bar है। बार किसका मात्रक है, तो दाब का। कोई पूछेगा कि बार किसका मात्रक है, तो जवाब देना दाब का। यानी कह रहे कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कोई पात्र है और इसमें C6H6 रखा गया है और शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब कितना है, 0.850 bar है। अब कह रहे कि इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनुपघट्य मिला
दिया जाता है। 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य का मतलब जो विद्युत अपघट्य पदार्थ न हो और वह एक अवाष्पशील हो। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया जिसका मोलर द्रव्यमान 78 है। किसका? तो बेंजीन का। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, यानी जब मिला दिया जाता है, मिलाने से पहले था हम लोगों का ये 0.850, मिलाने के पश्चात हो गया 0.845, यानी घट गया। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान पूछा है, ठोस का मतलब अवाष्पशील पदार्थ का। तो अभी फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, फार्मूला में इंडिकेट कर देता हूँ कि P1 naught minus P1 upon P1 naught इज इक्वल टू था W2 by M2 गुणे M1 by W1। अभी ये फार्मूला हम लोग पिछले पॉइंट में प्राप्त किए थे। देखिए यहाँ पर W by M2 एंड M1 by W1। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे शुद्ध अवस्था में P1 naught का मतलब शुद्ध अवस्था में दाब। शुद्ध अवस्था में कितना है? 0.850 है। इस मान को रख दिया गया। अशुद्ध अवस्था में कितना है, यानी P का मान है जिसको P1 हम इंडिकेट किए हैं। M1 का मतलब विलायक का अणुभार हो गया, W2 का मतलब विलेय का भार, W1 का मतलब विलायक का भार। इसका मतलब क्या इसमें नहीं दिया है, तो M2 हमें निकालना है। तो अब ये मान हम रखेंगे तो P1 naught का मतलब 0.850 बार माइनस 0.845 बटे में 0.850 इज इक्वल टू 0.5 गुणे से 78 बटे में M2 गुणे 39। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाइए, अगर 0 यानी 10 से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5, और यहाँ पर 0, ये भी 0, यानी हो जाएगा 0. ध्यान दीजिए ये नीचे आ जाएगा, यानी हो गया 0.5, यहाँ पर हो गया 0.5 गुणे हो गया 78 और गुणे हो जाएगा 0.850। 0.850 इसका तिर्य गुणा होगा, इसका इधर में पक्षांतर कर रहा हूँ, और ये भाग हो जाएगा तो बटे में कितना आ गया, तो 0.005। ये घटा लीजिए 0.005। तो अगर यहाँ से दशमलव को देखा जाए तो तीन अंक तो हो गया 0.5 इंटू 78 आगूढ़े कितना हो जाएगा, तो 850, कितना 850 आ बटे में हो जाएगा 5। ये कट गया 0.1, यानी आ गया हम लोगों का 78 आगूढ़े 85, 78 गुणे 85। अब 78 और 85 जो वैल्यू है इसका अब गुणा कर लिया जाए तो देखा जाए जवाब कितना मिलता है, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए। 78 गुणे 85 यहाँ पर बटे में अभी 39 भी है, ये अभी नीचे बचा है, भागे 39 होगा, तो 39 भाग देने पर आपका आ रहा है 170। देखिए M2 बराबर कितना आ गया, 170। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। सवाल में हमें ये देखना है कि शुद्ध अवस्था में कितना है, अशुद्ध अवस्था में कितना भार है, कितना दाब है उसका, भार कितना है दोनों का, और क्या निकालना है। बस उस इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, जवाब हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है क्वथनांक का उन्नयन। देखिए अगर कोई विलायक है, शुद्ध विलायक, यदि उसमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो वाष्प दाब में तो अवनमन होता है लेकिन उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 अध्याय 5 जो कि क्लास 11th में अध्याय 5 में हम लोग एक पॉइंट पढ़े हैं कि जब वायुमंडलीय दाब
वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, या वाष्प दाब जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को क्वथन बिंदु कहते हैं अथवा क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री, इसका मतलब हुआ कि जब जल को हम हीट करेंगे जो ही 100 डिग्री होगा तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण जल के अणु वायुमंडल में विलीन होने लगेंगे, गैसीय अवस्था में जाने लगेंगे। दूसरी बात, जब हम इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, ये भी पॉइंट हम लोग देखें। और शुद्ध विलायक और विलयन के जो वाष्प दाब है ये ताप के साथ परिवर्तित होता है, ये पीछे पॉइंट बताया गया है, राउल्ट में भी बताया गया कि ताप परिवर्तित होने से दाब परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण है कि सुक्रोज के जली विलयन का वाष्प दाब 373.15 केल्विन है, कितना पर, एक वायुमंडल दाब, जिसे 1.013 बार भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब इस विलयन को उबालने के लिए ताप को शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक बढ़ाकर विलयन का वाष्प दाब 1.013 बार तक बढ़ाना पड़ेगा, अतः किसी भी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया गया है क्वथनांक से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे सुक्रोज है जल में मैं मिला दिया, जल का क्वथनांक कितना है तो 373.15 है, वाष्प दाब कितना है 1.013 बार है। अब यदि मैं चीनी मिला दिया तब अगर हम पुनः उस विलयन को उबालना चाहते हैं कि वो उबलने लगे तब उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्यों, तो क्वथनांक बढ़ेगा क्योंकि उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ही वाष्प दाब कम होगा तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर देखिए रिलेशन, ये पॉइंट इंडिकेट करेगा। कह रहा है कि वाष्प दाब के अवनमन के समान ही क्वथनांक का उन्नयन भी विलेय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे वाष्प दाब के अवनमन जिसका अभी हम लोग अध्ययन किए थे, तो जो वाष्प दाब का अवनमन है ठीक उसी के समान क्वथनांक का उन्नयन भी विलेय के अणुओं की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर। यानी जो क्वथनांक का उन्नयन है ये भी उसके अणुओं पर निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर कि उसकी प्रकृति क्या है, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। अब यहाँ पर जैसे दिया है कि 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम जल में विलयन एक वायुमंडलीय दाब पर 373.52 केल्विन पर उबलता है, कितना पर उबलता है 373.52 केल्विन पर उबलता है, जबकि शुद्ध अवस्था में जल का कितना है तो 373.15 है, और जब विलयन हो गया तब कितना है तो 373.52 केल्विन हो गया, अर्थात क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम टीबी नॉट का मतलब हो गया, ये टीबी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग बिंदु, क्वथन बिंदु, और जीरो का मतलब हो गया इसी को पढ़ेंगे टीबी नॉट, अर्थात शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इसे किसे इंडिकेट करेंगे, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक से। अब शुद्ध विलायक का क्वथनांक और विलयन का क्वथनांक टीबी, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, टीबी जीरो है, विलयन का क्वथनांक कितना है, टीबी है, इन दोनों में अधिक कौन है। अभी मैं क्या समझाया था कि जब उसमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं किसी विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब कि ये टीबी अधिक होगा किससे, टीबी नॉट से, तब डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वथनांक में कितना वृद्धि हुआ, तो टीबी से डेल्टा टीबी, टीबी से टीबी नॉट को क्या करेंगे, घटाएंगे, और इसे ही कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। अब ये जो क्वथनांक का उन्नयन है, यह क्वथनांक का उन्नयन तनु विलयन में, क्वथनांक का उन्नयन विलयन में उपस्थित विलेय के
मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी एम एम क्या है, मोललता है, किसका, बिले का। इस मोलल सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, क्वथनांक का उन्नयन। अतः इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम हम इंडिकेट कर सकते हैं, जहां एम मोललता है, एम क्या है, मोललता है, अमोललता क्या है, इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़े हैं कि बिले के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार किलोग्राम है। यही है इसका डिफिनेशन जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो एम मोललता है, और जब एम मोलों पर डिपेंड, यानी मोल जो ही आएगा तो अणुओं की संख्या आ जाएगा। अर्थात इसे स्पष्ट करता है कि ये जो टी बी है, यानी डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन या अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। कैसे, तो ये मोललता, मोललता बराबर, अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बिले के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या है, कहा है कि यहाँ एम एक किलोग्राम विलायक में विलीन बिले के मोलों की क्या है, संख्या है। आज जो मोलों की संख्या है तो हम अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं जिसमें अवगाद्रो नंबर से हम गुणा करते हैं। अवगाद्रो नंबर कितना होता है, तो 6.02 × 10³। अब यह स्पष्ट कर दिया कि क्वथनांक का जो उन्नयन है यह बिले के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। के बी क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। के बी को किस नाम से जाना जाएगा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहा जाता है। के बी का जो मात्रक है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अर्थात कुछ प्राचलिक विलायकों के केबी का मान, जो कि आगे सारणी में प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और यहाँ से एक व्यंजक देखें। और हमें ये ध्यान देना है कि जो डेल्टा टी बी है यह बिले के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आता है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान वाले बिले के W1 ग्राम विलायक में उपस्थित हो तो बिलेयन की मोललता M दर्शाई जाती है। यानी सबसे पहले भी यहाँ पर ये देखें कि मोललता बराबर होता क्या है। तो अभी मैं क्या बताया था कि मोललता M इज इक्वल टू होता है बिलेय के मोलों की संख्या की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। अब मैं मान लिया कि विलायक का भार W1 है, W1 ग्राम है, और बिले का भार W2 ग्राम है। मैं क्या कहा, विलायक का भार कितना में मान लिया, W1 ग्राम, बिले का भार W2 ग्राम, और बिले का अणु भार में मान लिया M2। बिले का अणु भार क्या हो गया, M2। तो मोललता बराबर क्या हो गया, मैं क्या फार्मूला लिखा हूँ, बिले के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोल इज इक्वल टू भार बटे में अणु भार, या भार बटा मोलर द्रव्यमान। तो भार कितना माना गया, बिले का भार W2 बटा में अणु भार M2। ये तो हो गया मोलों की संख्या। अब बटे में कितना ग्राम में, W ग्राम में। लेकिन अभी मैं क्या बताया हूँ यहाँ पर, विलायक का भार किस में होना चाहिए, किलोग्राम। तो ये है ग्राम, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए मैं क्या कर दिया, 1000 से भाग दे दिया, तो हो गया 1000 × W2 बटा में M2 × W1। W2 क्या है, विलेय का भार, M2 विलेय का अणु भार, W1 विलायक का भार। तब बताइए कि अभी एक व्यंजक आया था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अब ये जो एम है, एम का मान कितना आया है, 1000 × W2 बटा में हो गया M2
इंटू डब्लू वन गुणे क्या हो गया के बी। देखिए इसी मान को यहाँ पर रखा गया है, के बी मान हो गया और ये हो गया स्मॉल एम का मान, मोललता यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, मोललता का फार्मूला मैं रख दिया। तो इस तरीके से हम लोग का मिल गया क्वथनांक व उन्नयन। अब यहाँ से क्वेश्चन ये करेगा कि या तो क्वथनांक व उन्नयन की गणना कीजिए, तो जब ये क्वेश्चन करेगा तो डब्लू टू देगा या के बी पूछ सकता है, यानी इसमें एक दो तीन चार पाँच राशियाँ हैं, पाँच में से चार देगा, किसी एक का क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ से अणुभार क्या होगा, अणुभार के लिए व्यंजक क्या होगा, विलेय का अणुभार। और अब 1000 यानी ये अणुभार है, तिरय गुणा कीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1000 गुणे डब्लू टू इंटू के बी बटा में डेल्टा टी बी इंटू डब्लू वन। 1000 ये डब्लू टू क्या है, तो विलेय का भार है, किसमें, ग्राम में। के बी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। डब्लू वन क्या है, तो विलायक का भार है। अब इस पर एक उदाहरण देखा जाए, एक सस्पेन, सस्पेन का मतलब होता है पात्र, जिस पात्र में विलयन बनाया जाता है उसी को सस्पेन कहा जाता है। एक सस्पेन में 18 ग्राम ग्लूकोज, कितना ग्राम, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, यानी यह कोई एक सस्पेन है और इसमें 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और यह ग्लूकोज 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम जल में घोला गया है। 1000 ग्राम जल में क्या किया गया है, घोला गया है, जिसमें 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, यह है हम लोगों का 180, यानी इस दाब पर जल किस ताप पर उबलेगा, यही क्वेश्चन किया है कि किस ताप पर उबलेगा। तो जल का वास्तविक कितना होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू होता क्या है, तो टी बी माइनस टी बी नॉट, ये टी बी बड़ा होता है मिश्रण का और टी बी नॉट छोटा होता है। तो ये जल में घोला गया तो जल के लिए कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अथवा 373.15 केल्विन होता है, ये पॉइंट पीछे बताया गया, अर्थात हमें टी बी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देखा जाए, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या 18 बटे में ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, भाग दे दीजिए, आ गया 0.1 मोल, विलायक 1 किलोग्राम, तो मोललता कितना हो गया, तो एम इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, कितना किलोग्राम है एक, तो मोललता आ गया 0.1। तो बताइए कि डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता क्या है, के बी इंटू एम, अभी फार्मूला बताया गया था, एम का मान कितना है 0.1, के बी का मान देखिए यहाँ पर के बी दिया है 0.52, तो 0.52 इंटू 0.1 इक्वल टू कितना आ गया, 0.052 आ गया, कितना आ गया, 0.052 केल्विन आ गया था। जब इतना केल्विन आ गया तो अभी हम लोग क्या कहे थे कि डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। डेल्टा टी बी कितना आया है, रखिए मान 0.052 बराबर, टी बी हमें कैलकुलेट करना है, टी बी नॉट कितना होता है, तो 373.15 अभी बताया गया शुद्ध अवस्था में, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, तो टी बी इक्वल टू कितना आ गया, तो 373.15 प्लस 0.052, इसको ऐड कर दीजिए तो हो गया 373.202 ऐड कर दीजिए केल्विन, यह हो गया हम लोग का क्वथनांक, यानी क्वथनांक कितना होगा, 373.202 पर उबलना प्रारंभ हो जाएगा। तो अशुद्धि मिला है, क्वथनांक क्या हुआ, बढ़ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का क्वथनांक दिया है 353.23 केल्विन, बेंजीन का क्वथनांक कितना दिया है, 353.23 केल्विन, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को मिलाया गया है, कोई पदार्थ है
अवाष्पशील पदार्थ है जिसका 1.80 ग्राम मिलाया गया किसमें, 90 ग्राम बेंजीन में, तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। क्वथनांक बढ़ गया, अशुद्धि मिलाया था। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए जबकि केवी का मान दिया है, यानी मोलर द्रव्यमान निकालना है। सबसे पहले तो हम डेल्टा टीबी निकाल लें। डेल्टा टीबी इक्वल टू होता क्या है, अभी फार्मूला बताया गया था कि टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। तो यहाँ पर टीबी का वैल्यू कितना है, तो 354.11 टीबी नॉट 353.23 घटा दीजिए, कितना आ गया, 0.88 केल्विन आ गया। ये तो आ गया डेल्टा टीबी का मान। अब फार्मूला होता है M2 इक्वल टू KB गुणे 1000 गुणे W2 बटा में डेल्टा TB इनटू W, ये फार्मूला बताया गया। तो यहाँ पर देखिए KB कितना है, KB देखिए दिया है 2.53 माने रखा गया है, 1000 है, 1000 रखा गया है, W2 का मतलब बीले का भार, सवाल पढ़िए बीले का भार 1.8 है रखा गया, बटे में डेल्टा टी भी कितना आया है अंतर 0.88 और गुणे W1 का मतलब हो गया विलायक, विलायक का भार कितना है 90 ग्राम, क्योंकि ये जो अवाष्पशील पदार्थ है यह किसमें घोला गया है, बेंजीन में, यानी ये बेंजीन में घोला गया है। तो बेंजीन विलायक हुआ, ये विलेय हुआ, माने रख दीजिए और कैलकुलेट कीजिए जवाब कितना आ गया, M2 = 58 ग्राम, यानी जो अवाष्पशील पदार्थ घोला गया था उसका मोलर द्रव्यमान है 58 ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब कि 1 मोल का भार कितना है, तो 58 ग्राम है, 1 मोल का भार कितना है 58 ग्राम। अगला पॉइंट आता है हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन देखें, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन देखें या वाष्प दाब में अवनमन का कैलकुलेशन देखें। अब आता है हिमांक का अवनमन, याद रखिएगा कि यदि किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं, तो उसका क्वथनांक बढ़ता है लेकिन हिमांक घट जाता है। हिमांक क्या होता है, घट जाता है, उसका हिमांक बिंदु नीचे चला जाता है। अब जब हिमांक बिंदु घट जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा TF, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, टी नॉट में ले लिया शुद्ध अवस्था में, TF में ले लिया जब मिश्रित कर दिया गया, तो उस अवस्था में डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF, क्यों, क्योंकि यहाँ पे TF नॉट बड़ा है TF छोटा। मैं क्या बताया, अभी मैं एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उस अवस्था में उसका जो हिमांक बिंदु है, यानी जो हिमांक है वो घट जाता है, हिमांक पहले की अवस्था से बिंदु घट जाएगा, जब घट जाएगा यानी कम हो जाएगा, इसका मतलब कि शुद्ध अवस्था में हिमांक अधिक होगा जबकि क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसलिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा TF0 - TF, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तनु विलयन के लिए तो राउल्ट का नियम लागू होता है और राउल्ट के नियम के अनुसार ये जो डेल्टा TF है ये भी मोलालता के अनुक्रमानुपाती ही होता है। मोलालता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, मोलालता के यदि मोलालता बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, मोलालता घटेगा तो डेल्टा TF घटेगा। ये भी किसके लिए अध्ययन हो रहा है, तो याद रखिएगा तनु विलयन के लिए। मोलालता बराबर क्या होता है, तो मोलालता बराबर अभी बताया गया था कि विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय को अगर W से इंडिकेट किया जाए तो W2/M2 बटे में विलायक का भार W1 ग्राम है तो 1000, तो हम लिख सकते हैं W2/M2 गुणे 1000 बटा में क्या हो जाएगा W।
अगर इस मान को यहाँ पर रख दिया जाए तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ का मतलब हिमांक का अवनमन स्थिरांक, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक कहिए या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहिए के एफ को, आगुण इसका मान कितना आया 1000 इंटू डब्लू टू बटा में आ गया एम टू इंटू डब्लू वन। अब इस फार्मूले की सहायता से हम लोग M2 का मतलब विलय के अणुभार की गणना भी कर सकते हैं, 1000 के एफ इंटू डब्लू टू बटे में डेल्टा टी एफ इंटू डब्लू। ध्यान दीजिएगा दोनों के फार्मूले में खास कोई अंतर नहीं है। अभी क्वथनांक के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि 1000 गुणे के भी बस पढ़े थे, ये W ही था और डेल्टा यहाँ पर टी भी था और गुणे डब्लू वन था। तो फार्मूला आसानी से याद रख सकते हैं, हिमांक यानी हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन एक ही जैसा है, फर्क है तो के एफ और के बी, टी एफ और टी बी का, और कोई परिवर्तन है। और ये भी हमें ध्यान देना है कि ये जो डेल्टा टी एफ है हिमांक में जो अवनमन है ये भी विलेय के अणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है, न कि उसके प्रकृति पर, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि यह विलाय के प्रकृति पर भी निर्भर नहीं कर सकेगा। जैसे यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया जो मैं फार्मूला बनाया, फार्मूला देखिए यहाँ पर आ गया जिस फार्मूले का बात हो रहा था। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अणुभार, यानी जैसे जिस तरीके से हम लोग जस्ट पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे जिसमें अणुभार का हम लोग कैलकुलेशन किए थे उन्नयन के लिए, जस्ट वहाँ पर हिमांक में अवनमन का बात करेगा तो हम यहाँ फार्मूला पेश करेंगे। कभी कभार ये भी कह सकता है कि अगर उसमें कोई अशुद्धि मिलाया गया तो बताइए कि उसका अब हिमांक बिंदु क्या होगा, तो पहले डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कीजिएगा। और डेल्टा टी एफ बराबर होता क्या है, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, सो टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। तो जब टी एफ नॉट से माइनस डेल्टा टी एफ घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हिमांक बिंदु कितना होगा मिलाने के पश्चात। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, अतः विलेय का जो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें W1, W2, डेल्टा Tf के साथ मोलर अवनमन स्थिरांक Kf का मान भी ज्ञात होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस व्यंजक में, यानी अगर हमें N2 निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो Kf चाहिए, W2 चाहिए, डेल्टा Tf चाहिए, W1 चाहिए। जब ये चारों राशि ज्ञात होगा तभी हम M2 का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी पॉइंट को कहा है कि मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें ये चारों राशि ज्ञात होना चाहिए एवं Kf एवं Kb के मान जो कि विलेय के प्रकृति पर निर्भर करते हैं लेकिन विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, निम्न संबंधों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये जो Kf Kb ये कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है कि Kf कैसे ज्ञात करें। तो Kf इक्वल टू होता है आर एम वन इंटू टी एफ का वर्ग बटे में 1000 गुणे डेल्टा एच, जहाँ आर क्या है, आर को गैस स्थिरांक के नाम से जाना जाता है जो 8.31 होता है। जैसे कोई क्वेश्चन कह रहे के एफ कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन में देता रहता है कि के एफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आर गैस नियतांक, एम वन क्या है विलायक, क्योंकि यह विलायक के प्रकृति पर निर्भर करेगा, विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिए। पिछला पॉइंट में एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है जो थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पर लिखा था कि यह विलाय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, नहीं विलाय पर निर्भर करेगा, जो कि यहाँ पर है विलाय के प्रकृति पर निर्भर करता है, सही है विलाय के प्रकृति पर निर्भर करेगा बट विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, सॉरी यहाँ पर सही दिया था। देखिए यहाँ पर तो इस फार्मूले की सहायता से कि अब डेल्टा एच एफ का मतलब होता है गलन एंथैल्पी, तो R क्या है गैस स्थिरांक है, M1 क्या है विलाय का मोलर द्रव्यमान, Tf क्या है
एवं टीएबी केल्विन में शुद्ध विलायक के क्रमशः हिमांक और क्वथनांक है। इसी प्रकार डेल्टा एच और डेल्टा एच क्रमशः विलायक के गलन और वाष्पन एंथैल्पी है। यह डेल्टा एच गलन की एंथैल्पी कहलाएगा, इसको हम डेल्टा एच एफ भी दिखा सकते हैं, इसको डेल्टा एच बी भी दिखा सकते हैं। यह गलन की एंथैल्पी कहलाता है, इसे वाष्पन की एंथैल्पी कहें। एक को गलन की एंथैल्पी कहेंगे और दूसरे को वाष्पन की एंथैल्पी। आर क्या है तो गैसमीयतांक, एम क्या है विलायक का मोलर द्रव्यमान, टी एफ का मतलब गलन बिंदु और टी बी का मतलब क्वथन बिंदु। अगर ये हमें ज्ञात हो, जैसे जल है, जल मैं कह दिया H2O का ज्ञात करो, H2O का एंथैल्पी सवाल में दिया होगा, एंथैल्पी एंथैल्पी का मान रख दो, टी बी जानते हो इसका 100 डिग्री होता है, और ये हम लोग का M1, इसका अणुभार निकाल लो, आर 8.31 होता है, रख कर ये कैलकुलेट कर लेना। याद रखना ये के एफ और के बी के लिए मान निकालने के लिए सूत्र है। अब जैसे इस पर एक सारणी है जिसमें कुछ मान दिया है, यहाँ पर देखिए, जैसे जल, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15 केल्विन में, अथवा हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। जो ही केल्विन है इसे 273.15 घटा दीजिए, डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 373.15, इसका केबी कितना हुआ, यह प्रयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रयोगात्मक विधि द्वारा कैलकुलेट किया गया है 0.52। इसका हिमांक बिंदु कितना है 273.0 और इसका कितना हो जाएगा 1.86। तो के एफ कितना है 1.86, के बी कितना है 0.5। ठीक इसी तरीके से एक और देख लीजिए, एथेनॉल, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5 केल्विन है, जबकि इसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है 1.20, मोलल अवनमन स्थिरांक कितना है तो 1.99, कितना 1.99। तो इस तरीके से और भी यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट है जल, बेंजीन और एथेनॉल, जल बेंजीन एथेनॉल, इसको नोट कर लीजिएगा, ये अधिकांशतः कंपटीशन में आता रहता है। ये सवाल को थोड़ा नोट कीजिए, उदाहरण 2.9, यहाँ पर हिमांक का अवनमन और हिमांक की गणना करनी है। हिमांक का अवनमन दिया है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, कितना ग्राम है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। किसे मिलाया गया, जल में, ये क्या कहलाएगा विलायक, ये क्या कहलाएगा विलेय। तो विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। सबसे पहले ये देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल की मोललता क्या है, इसका आप फार्मूला दिया गया, अणुभार निकाल सकते हैं, मोललता बराबर मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार। तो बताइए कि मोलों की संख्या, मोल कितना है, कितना ग्राम 45, अणुभार इसका कितना हो गया 62, भाग दे दीजिए आ गया 0.73 मोल। सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकॉल यानी विलेय का मोल निकालिए, जब विलेय का मोल आ जाए तो यहाँ पर किलोग्राम में बदल लीजिए जल की मात्रा को, तो 0.6 किलोग्राम, अतः मोललता क्या हो गया, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का विलायक का भार, किसमें किलोग्राम में, तो 0.73/0.60 भाग देने पर आ गया 1.2 मोल प्रति किलोग्राम, ये कहलाएगा हम लोगों का विलायक, विलायक का मोलल, ए विलेय का मोलल।
या मोलालता कैलकुलेटर। तो बताइए कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता क्या है। डेल्टा टी एफ, टी एफ इक्वल टू अभी बताया गया था के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, के एफ क्या है, तो के एफ है हम लोगों का मोलाल अवनमन स्थिरांक। और मोलाल अवनमन स्थिरांक किसके लिए, किसके लिए मोलाल अवनमन स्थिरांक, तो देखा जाए सारणी में 1.8 दिया है जल के लिए। मैं कहा था ना कि जल को याद रखिएगा, जल का कितना दिया, 1.8 दिया है। इस मान को देखिए यहाँ पर रखा गया है 1.86, और गुणे एम का मान 1.2, गुणा करने पर कितना आ गया 2.2 के लिए। तो ये बताइए कि ये तो डेल्टा टी एफ हो गया। अब डेल्टा टी एफ बराबर होता क्या है, तो ये पॉइंट बताया गया है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। सो टी एफ इक्वल टू कितना होगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। अब बताइए यहाँ पर कि टी एफ है कितना, टी एफ कितना है, तो टी एफ नॉट होता है 100, यानी 373.15 और माइनस 2.2, घटा दीजिए आ गया 270.95। कितना है, 270.95 केल्विन। ये आपका जवाब है 270.95 केल्विन जलीय विलयन का हिमांक है। ठीक इसी तरीके से अणु भार निकालने के लिए उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। एक वैद्युत अनपघट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.40 की कमी आती है, और हिमांक का अवनमन स्थिरांक दे दिया है। क्वेश्चन किया कि विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। मोलर द्रव्यमान M2 इक्वल टू, अभी मैं फार्मूला बताया था, 1000 गुणे के बी गुणे W2, 1000 गुणे के बी गुणे W2 बटा में डेल्टा टी एफ गुणे W1। इस फार्मूले का प्रयोग कर लो, 1000 के बी का मतलब देखो यहाँ पर दिया है 5.12, W2 कितना 1 ग्राम है रखा गया है, बटे में डेल्टा टी एफ कमी, और ये 50 ग्राम बेंजीन है। अब इस पर कैलकुलेट कर लीजिए जवाब कितना गया, 256 ग्राम प्रति मोल। बहुत इजी था, बस फार्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद आता है परासरण एवं परासरण दाब क्या है। परासरण के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे, परासरण एवं परासरण दाब क्या है। परासरण का मतलब होता है फैलना, परासरण का मतलब क्या होता है, फैलना। तो यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कह रहे हैं कि हम प्रकृति अथवा घर में कई परिघटनाओं को देखते हैं, जैसे कच्चे आमों का अचार डालने के लिए नमकीन जल में भिगोने पर वे संकुचित हो जाते हैं, मुरझाए फूल ताजे जल में रखने पर ताजे हो जाते हैं, यहाँ तक कि रुधिर कोशिकाओं को जल में रखने पर सिकुड़ जाती है। जो किशमिश अगर उसे जल में रखते हैं तो फूल जाता है, क्यों, इसका रीजन क्या है। तो इसी प्रकार की घटनाओं को हम परासरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखा जाए कि पार्चमेंट झिल्ली क्या है। यहाँ पर देखिए एक नाम लिया है पार्चमेंट, पार्चमेंट झिल्ली क्या है। पार्चमेंट झिल्ली उस झिल्ली को कहा जाता है जो विलायक और विलेय में से केवल विलायक को अपने से आने जाने दे। जैसे मान लीजिए एक या कोई पात्र है और यहाँ पे एक पार्चमेंट झिल्ली लगी है, यह एक पार्चमेंट झिल्ली है, यह विलयन है, विलयन है। तो विलयन है तो इसमें दो पार्ट होगा, एक विलेय होगा और दूसरा होगा विलायक, विलायक।
ये जो आउट होगा इसमें से वह केवल विलायक होगा, यह विलायक को ही केवल अनुमत करता है जाने के लिए, विलय को नहीं। इसीलिए इस झिल्ली का नाम हो जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से इसे जानते हैं। तो जब भी पार्चमेंट अथवा अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम लिया जाए तो समझ लीजिए कि ऐसा पार्चमेंट झिल्ली जो केवल विलय के कणों को ही अनुमत करे आने जाने के लिए, विलय को नहीं। कह रहे कि ये झिल्लियां सतत सीट या फिल्म प्रतीत होती है, तथापि इनमें अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों या रंध्रों का एक नेटवर्क होता है। यानी एक ऐसा झिल्ली होता है जिसमें बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलय के बड़े अणुओं का गमन बाधित हो जाता है। इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियां अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है, जिसे SPM के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं क्या समझाता है, यहाँ पर देखिए केवल किसको अनुगमन कर रहा है, विलय को। इसी पॉइंट को मैं इस फिगर में समझाया था ना कि ये जो झिल्ली है केवल विलय को इसमें आने देगा, विलय को नहीं। इसलिए ये जो विलयन है इसके दो पार्ट हैं, एक विलय और दूसरा विलय, लेकिन दोनों में से केवल विलय को ही आउट निर्गत कर रहा है, विलय को नहीं। इसलिए इस झिल्ली का नाम है पार्चमेंट झिल्ली। अब ये जो प्रवाह की क्रिया है, जो विलायक बाहर जा रहा है, इस क्रिया को यानी विलायक प्रवाह की क्रिया को हम परासरण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? परासरण। देखिए यहाँ पर है कि विलायक के प्रवाह का यह प्रक्रम परासरण कहलाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? परासरण। जैसे मान लीजिए कोई पात्र है और उसमें जल ले लिए और इसमें मान लीजिए कोई किशमिश डाल दिए, तो आप लोग देखते हैं कि तुरंत वह थोड़ा साइज में बड़ा हो जाता है। पहले से साइज में क्या हो जाता है? बड़ा। क्यों? इसका मतलब कि ये जो वाटर था, वाटर के कणों को इसका बाहरी आवरण जाने दिया अंदर, यानी इसके अंदर जल को जो इसका बाहरी आवरण है अंदर की तरफ जाने दिया, जिसके कारण जल धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो कोई क्वेश्चन करता है कि किशमिश को अगर हम जल में डालते हैं तो क्यों फूल जाता है? जवाब है परासरण के कारण। किसके कारण? परासरण। तो इसका जवाब एक ही है, वो है परासरण। अगर कोई ये क्वेश्चन करता है कि उसे चीनी के रस में डालने पर क्यों सिकुड़ जाता है, जवाब है परासरण। अपने हाथ को भी कभी कभार देखिएगा, अधिक समय तक खारे पानी या नमक में नमक और जल घोल बना लीजिए, उसमें अपने हाथ को डाल दीजिए, देखिए आपका हाथ सिकुड़ जाता है। इसका मतलब कि हमारे अंदर जो विलायक है वह बाहर आ चुका है। फिर कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाए जिसमें हाथ सूज जाए तो उसमें तनाव का अनुभव होता है। इसका मतलब कि बाहर का वातावरण से जो विलायक का कण हमारे अंदर प्रवेश कर गया। तो ये सब घटना क्या है? तो परासरण। अब इसी के अंतर्गत हम लोग ये देखें कि परासरण दाब क्या है। जैसे ध्यान दीजिए, यह है विलयन। विलयन का मतलब हो गया कि इसमें दो पार्ट होगा, एक विलय दूसरा विलायक। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, इसमें विलय है और दूसरा क्या है? तो विलायक। इसमें दो पार्ट है, एक विलय और एक विलायक। यहाँ पर SPM का मतलब हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी यहाँ पर दोनों ज्वाइंटर के बीच में यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब और इसमें क्या भरा गया है? विलायक। क्या भरा गया है? विलायक। इसमें विलायक भरा गया है। अब हम इसको देखें, कह रहे कि साम्यावस्था प्राप्त होने तक प्रवाह सतत बना रहता है। झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर का प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। यानी कह रहा है कि अगर हम यहाँ पार्चमेंट झिल्ली लगाते हैं तो ये जो विलायक के कण है ये विलयन में प्रवेश करने लगेंगे,
ऐसे अंदर की तरफ जाने लगेंगे, इसमें आ जाएंगे कण। तो बताइए कि जब इसमें कण आएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम लगा है, ये सिस्टम विलय को तो आने नहीं देगा इधर, इसका मतलब केवल विलायक को इधर जाने देगा। ये एक सांद्र विलयन है, यह केवल विलायक है, तो तनु रहेगा, तो ये अंदर जा सकता है, इसको अनुमत करेगा। तो ये पिस्टन क्या करेगा, ऊपर की तरफ भागने लगेगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें जितना कण प्रवेश किया है और यह पहले जिस स्थिति में था उसी स्थिति में पिस्टन बना रहे, तो हमें इस पर अतिरिक्त एक दाब लगाना होगा। और जो ही दाब हम इस पर लगाएंगे, तो पुनः इसमें से जो कण थे जो कि इस पॉइंट में गए थे, वह पुनः अपने मार्ग में आने लगेंगे, पुनः चले आएंगे अपने स्थिति में। जब अपने स्थिति में आ जाएंगे, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि इस पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए हमने इस पर कुछ दाब डाला। ये जो अतिरिक्त दाब है, ये तो दाब दोनों पर है, देखिए पी वायु, वायु का दाब दोनों पर है, लेकिन इस पर एक अतिरिक्त दाब हम लोग डाले। क्यों डाले हैं? तो पराशरण की क्रिया रुक जाए, अर्थात ये जो विलायक कण है विलयन में न जाए। तो ये जो अतिरिक्त दाब है, इसी दाब को हम कहते हैं पराशरण दाब। पराशरण दाब को या तो पाई से इंडिकेट करते हैं अथवा पी से, या तो पाई से इंडिकेट करेंगे अथवा पी से। तो यह है पराशरण दाब। तो कोई पूछेगा कि पराशरण दाब क्या है, बहुत सिंपल डिफिनेशन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए, विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब पराशरण दाब कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पराशरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब पराशरण दाब के नाम से जाना जाता है। पराशरण दाब को किससे इंडिकेट करते हैं? तो पी अथवा पाई से। यह अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह विलेय के केवल संख्या पर निर्भर करता है। पराशरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता और सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी ये जो पराशरण दाब है, यह ताप, सांद्रता और मोलरता, जिसको एम से इंडिकेट करते, इन तीनों बातों पर निर्भर करेगा। यानी जो पराशरण दाब है, ताप, मोलरता और सांद्रता पर निर्भर करेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि ये जो पराशरण दाब है, यह पराशरण की क्रिया को रोकता है। पराशरण की क्रिया क्या है? तो ये जो विलायक के कण है पार्चमेंट झिल्ली से विलयन में जाने लगते हैं, और इस प्रवाह को रोकने के लिए हमें इस अतिरिक्त दाब लगाना पड़ता है। जब पिस्टन को हम नीचे की तरफ दबाएंगे, तो इसमें जितना कण प्रवेश किया होगा वो इसमें फिर बाहर चला आएगा, क्योंकि दबाव पड़ेगा, अंदर जा नहीं सकता वो। अर्थात प्रवाह की क्रिया क्या हो गई? रुक गई। लेकिन इतना हम अधिक नहीं लगा देंगे कि विलयन के उपस्थित विलायक कण, विलयन में उपस्थित विलायक कण विलायक में चलने लगे, ये क्रिया नहीं करेंगे। ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है कि इस पिस्टन को हम इतना दबा दें कि विलय, ये जो विलयन है, विलयन में से विलायक कण भी विलायक में आने लगे। तो यह कहलाता है प्रति पराशरण। क्या कहलाता है? प्रतिपराशरण। तो हम लोग पराशरण अध्ययन कर रहे हैं, प्रतिपराशरण नहीं, या प्रतिलोम पराशरण के नाम से इसे जान जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिलोम पराशरण भी एक प्रक्रिया है। और एक यहीं पर पॉइंट मैं नाम ले लेता हूँ निःसरण का। निःसरण और पराशरण में क्या अंतर है, ये दोनों को थोड़ा स्पष्टीकरण में कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर एक कोई मान लीजिए ये दीवार है, और यहाँ पर कोई पदार्थ ए है, और ये पदार्थ क्या है? बी है। ठीक है, ये बी है, ये एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है। अगर किसी भी, अगर ये जो बीच में दीवार में बनाया इसको मैं हटा दिया, तो क्या होगा? इसका कण इधर जाएगा, इसका कण इधर आएगा, दोनों का कण एक दूसरे में जाने आने लगेंगे। तो इस क्रिया को निःसरण कहते, या निसरण, सॉरी निसरण नहीं, विसरण, इसको विसरण कहते हैं। क्या कहेंगे? विसरण। लेकिन अगर यही किसी पात्र में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिए, जैसे यहाँ पर था,
और एक में विलायक हो गया, एक में विलयन हो गया, तो केवल विलायक के कण ही आ जा सके, इस प्रकार के घटना को हम लोग परासरण कहते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है? तो याद रखिएगा कि परासरण में केवल विलायक का कण गतिशील होता है। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जो परासरण है उसमें केवल विलायक का कण गतिशील होता है, जबकि विसरण में विलायक और विलेय दोनों के कण गतिशील होते हैं। विलायक और विलेय दोनों के कण गतिशील होते हैं, दोनों कण गतिशील होते हैं। किसमें? विसरण में, और परासरण में केवल विलायक। आगे देखा जाए, जैसे यहां पर देखिए, अभी कहा गया था कि ताप सांद्रता पर, मूलरता पर ये निर्भर करता है कौन, परासरण दाब। याद रखिएगा कि परासरण दाब P बराबर क्या होता है, CRT, जहाँ C क्या है, सांद्रता है, C क्या है, सांद्रता, R क्या है, गैस नियतांक, T क्या है, परम ताप। अब सांद्रता बराबर होता क्या है, तो ये सांद्रता किसका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सांद्रता किसका है। तो ये सांद्रता विलेय का है, जो अवाष्पशील जो पदार्थ उसमें घुला है उसकी सांद्रता सी है। तो सी सांद्रता सी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े, मोलरता, अभी नाम आया था ना मोलरता, तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो सांद्रता यानी मोलरता इक्वल टू क्या हो गया, मोलों की संख्या बटे में आयतन भी। तो ये एन टू क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, तो पाई इक्वल टू हो गया एन टू बाई भी इन टू आर टी, बट एन टू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम टू। डब्ल्यू क्या है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार, यानी जो हम विलेय घोले हैं उसका मोल निकालेंगे, तो उसके मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार, और जो ही भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगा, और जब मोल की संख्या आ जाएगा तो उस अवस्था में इस मान को यहाँ रख दिया जाए, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू टू बाई एम टू बटे में भी इन टू आर टी। अब यहाँ से भी का गुणा करेंगे तो पाई भी इक्वल टू क्या मिलेगा, डब्ल्यू टू आर टी बाई एम टू। तो यहाँ से एम टू के लिए हम फार्मूला प्राप्त कर लिए, अर्थात इस फार्मूले की सहायता से यदि परासरण दाब ज्ञात हो, आयतन ज्ञात हो, आर का मान, टी ज्ञात हो, डब्ल्यू टू ज्ञात हो, तो हम अणु भार की गणना कर सकते हैं। किसकी गणना करेंगे, अणु भार की गणना करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, विलेयों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि परासरण दाब का मापन है। इससे पहले हम लोग मोलर द्रव्यमान ज्ञात किए थे किसके द्वारा, तो एक हम लोग ज्ञात किए वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इन विधियों द्वारा हम लोग मोलर द्रव्यमान ज्ञात किए। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि क्या है, तो वह है परासरण दाब। परासरण दाब से भी हम लोग मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। कह रहे कि ये जो विधि है प्रोटीनों, बहुलकों एवं अन्य बृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की प्राचलिक विधि है। यानी कभी कभार ये क्वेश्चन करता है कि प्रोटीनों अथवा बहुलकों के मोलर द्रव्यमान किसके द्वारा गणना किया जाता है, तो जवाब होगा परासरण दाब के मापन द्वारा। किसके द्वारा, परासरण दाब के मापन द्वारा। और देखिए, परासरण दाब विधि दाब मापन के एक अन्य विधियों से अधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि परासरण दाब मापन कमरे के ताप पर होता है। कमरे का ताप कितना होता है, तो 25 डिग्री लिया जाता है। 25 डिग्री पर परासरण दाब का मापन होता है। यह मोलरता के स्थान पर विलयन की मोलरता उपयोग में ली जाती है, जिससे टोटल आयतन प्राप्त हो जाता है। यानी इससे पीछे हम लोग क्या नाम ले रहे, तो मोलरता, लेकिन परासरण दाब में क्या आया, मोलरता। क्या आया है, मोलरता। मोलरता किस पर डिपेंड करता है, ताप पर, जबकि ये सब ताप पर निर्भर नहीं करते। तो मोलरता किस पर डिपेंड करता है, ताप पर, इसलिए इसकी उपयोगिता अधिक हो जाती है। विलेयों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की परासरण दाब तकनीक विशेष रूप से जैव अणुओं के लिए उपयोगी है, जो उच्च ताप पर सामान्यतः अस्थाई नहीं होते, एवं उन बहुलकों के लिए है जिनकी विलयता कम होती है। यानी ये जो परासरण दाब की विधि है, इसके द्वारा जो मोलर द्रव्यमान हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें याद रखना है।
कि बहुलकों जिनकी विलयता कम होती है उसके लिए है, और दूसरा जैव अणुओं के लिए। ये मुख्य तौर पर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, अथवा बहुविकल्पी क्वेश्चन दे देता है कि जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो परासरणता। बहुलकों जो ऐसा बहुलक जो कम घुलनशील है उसके परासरण मोलर द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे, जवाब होगा परासरणता। दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयन सम परासारी विलयन कहलाते हैं। ये अपने कापी में नोट कर लीजिए, नोटबुक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा है कि दिए गए ताप पर, यानी अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों का ताप इक्वल है, तो समान परासरण दाब वाले दिए गए ताप, ताप इक्वल हो, परासरण दाब इक्वल हो, तो कह रहे कि समान परासरण दाब वाले दो विलयन सम परासारी विलयन के नाम से जानते, यानी अगर दो विलयन है जो इनका ताप ये भी टी है ये भी टी है, और यदि दोनों का परासरण दाब बराबर है, दोनों विलयनों का यदि परासरण दाब बराबर है, तो इन विलयनों को सम परासारी विलयन के नाम से जानते हैं। तो कोई कहेगा क्वेश्चन कि सम परासारी विलयन किसे कहते हैं, सम परासारी विलयन किसे कहते हैं, तो जवाब क्या होगा कि दिए गए ताप पर समान दाब वाले दो विलयन सम परासारी विलयन कहलाते हैं। कौन सा, तो सम परासारी विलयन के नाम से जाना जाता है। अब कह रहे हैं कि जब ऐसे विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए जाते हैं, कैसे, तो सम परासारी विलयन, जब सम परासारी विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किए जाते हैं, तो उनके मध्य परासरण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोनों का परासरण दाब बराबर होता है, यानी दो सॉल्यूशन है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी, एक सॉल्यूशन इधर दूसरा इधर, अगर दोनों का परासरण दाब बराबर है तो न विलायक कण इसमें जाएगा न इससे इसमें आएगा, अर्थात इससे परासरण की क्रिया संभव नहीं है। जैसे रुधिर कोशिकाओं में स्थिर द्रव का परासरण दाब 0.9% सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं, के तुल्यांक होता है, अतः इसे अंतःशिरा में अंतःक्षेपित यानी इंजेक्ट करना सुरक्षित रहता है। दूसरी ओर यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल कोशिका से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएगा। यानी कह रहे कि अगर जो कोशिका में स्थित द्रव है, जो कोशिका के अंदर द्रव्य होता है, उसका परासरण दाब कितना है, 0.9% द्रव्यमान प्रति आयतन के रूप में 0.9%। अब यदि 0.9% के सोडियम क्लोराइड के विलयन में इसे हम रख देते हैं, जिसका परासरण दाब वही है जो इसका है, तब तो इससे कोई परासरण की क्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि हम सोडियम क्लोराइड, यानी ये जो सोडियम क्लोराइड है, कह रहे कि अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में, यानी जो परासरण दाब जितना कहा है, अगर उससे अधिक हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और उसमें मैं रख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहरी वातावरण का विलयन, जैसे मान लीजिए ये सेल है और इस सेल के चारों तरफ, इस सेल के चारों तरफ मान लीजिए नमक का घोल है जिसमें इस सेल को रखा गया, यदि दोनों की सांद्रता बराबर है, परासरण दाब बराबर है, तो इसका द्रव्य बाहर नहीं जाएगा, न बाहर का द्रव्य क्या करेगा, अंदर आएगा, न बाहर का द्रव्य अंदर आएगा, न अंदर का द्रव्य बाहर जाएगा, न बाहर का द्रव्य अंदर आएगा। लेकिन यदि ये अधिक हो गया, कौन अधिक हो गया, ये NaCl, अगर NaCl अधिक हो गया तो ये जो सेल है, सेल के अंदर का द्रव बाहर आने लगेगा, और जो ही बाहर आएगा तो सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और जब संकुचित होगा तो इस प्रकार के विलयन को हम अति परासारी विलयन कहते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं, अति परासारी विलयन। यानी जब अधिक सांद्रता वाले किसी विलयन में कम सांद्रता वाले किसी पदार्थ को रखते हैं, तो उसके विलायक कण
कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले की ओर चलने लगते हैं विलय के कण, तो इस प्रकार के विलयन अति परासारी कण होता है। और यदि लवण की सांद्रता 0.9% से कम हो जाए तब क्या होगा, तो जल कोशिका के अंदर प्रवाहित होगा। पहले हम लोग क्या देखे कि अगर अधिक वाले में डालेंगे तो जल कोशिका से बाहर होगा जिससे वह संकुचित होगा, और यदि हम कम सांद्रता के विलयन लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि अब उल्टा यानी अंदर जाने लगेगा, अंदर की तरफ ये जल प्रवाहित होगा, और जब अंदर की तरफ जल प्रवाहित होने लगेगा तो उस अवस्था में कोशिका में और तनाव उत्पन्न होगा, वो फूल जाएगा, तो उसे हम तो ऐसे विलयन को अल्प परासारी विलयन कहते हैं। तो इस तरीके से दो विलयन, एक अति परासारी विलयन जब जल कोशिका से बाहर आता है, एक अल्प परासारी विलयन जब जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर समझाया गया। तो कोई कहेगा अति परासारी विलयन का मतलब क्या हुआ, तो जवाब होगा पदार्थ से विलय का कण बाहर आ रहा हो, अल्प परासारी का मतलब बाहरी वातावरण से कण अंदर जा रहा। जैसे एक मैं उदाहरण एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, इसमें जल है और इसमें मैं एक रख दिया किसमिस, तो बताइए कि ये फूल जाता है, इसका रीजन क्या है, ये कौन सा विलयन कहलाएगा, तो जवाब होगा अल्प परासारी विलयन। क्यों, जल अंदर की तरफ जाता है, सॉरी हाँ जल अंदर की तरफ जाता है तो ये क्या है, अल्प परासारी विलयन। जब यही बाहर की तरफ जाने लगेगा, जैसे मैं बताया था कि नमक के घोल में अपने हाथ को रखेंगे तो सिकुड़ जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, अति परासारी विलयन कहलाएगा। अगला पॉइंट है इस खंड के प्रारंभ में उल्लेखित परिघटनाओं को पराशरण के आधार पर समझाया जा सकता है। अचार बनाने के लिए सांद्र लवणी विलयन में रखा गया कच्चा आम पराशरण के कारण जल का क्षरण कर देता है यानी उसे समाप्त कर देता है एवं संकुचित हो जाता है, और जिसके कारण वह अधिक दिनों तक क्या रहता है, अपने आप को अस्थायित्व बनाए रखता है यानी खराब नहीं होता। उसी तरीके से रुधिर कोशिकाओं को भी 0.9% से कम लवण वाले जल में रखा जाए तो परासरण के कारण जल के ह्रास से ये निपात हो जाता है, यानी इसके अंदर जो जल की कमी होती है किसके अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो जल की कमी होती है वो कमी भरपाई होने लगता है। तो ये प्रक्रियाओं का अध्ययन, जैसे मान लीजिए अभी कोई क्वेश्चन उठाता है कि ऐसे आम को रखने पर खराब हो जाता है लेकिन उसका अचार बनाने पर खराब क्यों नहीं होता है, तो उसका जवाब होगा कौन सा परासरण, अभी कौन सा परासरण बताया गया था बताइए, तभी एक परासरण का नाम लिया गया था अल्प परासरण। कौन सा, देखिए अल्प परासरी अति परासरणीय विलयन और एक अल्प परासरी। तो अति परासरी में मैं क्या बताया, जब बाहर जाए संकुचित हो, आम का जो टुकड़ा होता है संकुचित होता है यानी वो अति परासारी विलयन है, और जिसमें अंदर जाने लगे वो क्या कहलाएगा, अल्प परासारी कहलाएगा। एक परासरण दाब पर हम लोगों का क्वेश्चन है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर जली विलयन, 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में, 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार है, तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए क्या दिया है परासरण दाब, पहले नोट कर लीजिए पाई, पाई का मान आयतन भी दिया है, टी भी दिया है, और आर का मान जानते हैं कि 0.083 लीटर बार प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। ये बताइए कि इसका फार्मूला क्या हम लोग पढ़े, इसका फार्मूला, तभी इसके अंतर्गत हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे M2 = W2RT/πV। इस फार्मूले का, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और इसी फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग कीजिए, तो हो गया 1.26 × ये मान रखा गया, मान रखे गुणा कर लीजिए, जवाब हो जाएगा कितना, 61022, कितना होगा 61022 ग्राम प्रति मोल। यह प्रोटीन का अणु भार है, और अभी बात किया गया था कि
किसी प्रोटीन या किसी बहुलक का अणुभार निकालना हो या मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो उस स्थिति में परासरण दाब ही उपयोगी है। अब बात आता है यहाँ पर, ये तो अभी हम लोग देखें, जल का मृदा। कह रहे कि जल का मृदा से पौधों की जड़ों में और फिर पौधों के ऊपर के हिस्सों में पहुँचना आंशिक रूप से परासरण के कारण ही होता है। कह रहे कि जो जल है, जल पहले मृदा यानी भूपट्टी पर जो पृथ्वी के ऊपर वाला पार्ट है उसमें प्रवेश करता है, उसके बाद पौधों के जड़ों में प्रवेश करता है, पौधों के जड़ों से फिर टहनियों में प्रवेश करता है। तो यह कौन सी क्रिया है? तो एक परासरण ही है। जैसे मांस में लवण मिलाकर संरक्षण एवं फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है, तो यह भी एक परासरण के अंतर्गत ही है। जैसे मान लीजिए कोई मांस है उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना है, लवण मिलाइए। कोई फल है उसमें शर्करा मिलाइए, देखिए अधिक समय तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे परासरण के कारण नमक युक्त मांस एवं मिश्री में पाए गए फल स्थिर बैक्टीरिया जल ह्रास के कारण संकुचित होकर मर जाते हैं, अर्थात उसे जो खराब करने वाले बैक्टीरिया है वह बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्यों? सांद्रता अधिक होने के कारण। अभी मैं एक नाम लिया था ना, प्रतिलोम परासरण। देखिए यहाँ पर प्रतिलोम परासरण क्या है, कह रहा है कि वर्णित विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, यानी जितना मैं क्या समझाया था कि परासरण दाब जितना हम लोग लगाए उससे अगर अधिक दाब लगा देते तो उस अवस्था में शुद्ध विलायक अब अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है। पारगमन करने का मतलब बाहर निकलने लगता है। जैसे अभी मैं एक पॉइंट बताया था कि उस ग्राफ को देख लिया जाए, जैसे इसमें मैं कहा था कि अगर इसके बाद भी अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, दाब डालता हूँ, तो अब इसके विलायक के कण, यानी ये जो विलयन है इसके विलायक के कण विलायक की तरफ आने लगेंगे। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रतिलोम परासरण के नाम से। क्या कहलाएगा? प्रतिलोम। इस सत्र में क्वेश्चन आया था, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रतिलोम परासरण क्या है। प्रतिलोम परासरण एक बार फिर बताया जा रहा है कि जब परासरण दाब से अतिरिक्त या परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलयन या परासरण की क्रिया उत्क्रम हो जाती, पहले से उत्क्रमित हो जाता है, यानी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रकार के परासरण को हम लोग प्रतिलोम परासरण के नाम से जानेंगे। प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है, यानी उसके विलयन में जो लवण है उसको विस्थापित करने के लिए प्रतिलोम परासरण का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिलोम परासरण से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर जैसे एक पॉइंट में लेता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा पात्र है जो कि मैं कहा था कि समुद्र के लवणीकरण द्वारा या भी लवणी संयंत्रों का उपयोग करके हम लोग जल को अलग करते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसा पात्र है जिसमें यहाँ पर एक पार्चमेंट झिल्ली लगा है और इसमें लवणीय जल भरा गया। लवणीय जल का मतलब क्या हो गया? समुद्र का जल। समुद्र के जल को मैं इसमें भर दिया। भरने के पश्चात अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि पिस्टन से इस पर फोर्स लगाएंगे। जब इस पर पिस्टन से फोर्स लगाते हैं तब क्या होता है, इस घटना को थोड़ा देखा जाए। तो अभी मैं बताया था कि जब परासरण दाब से अधिक कोई भी दाब लगाएंगे, परासरण दाब से अधिक अगर कोई भी दाब लगाते हैं तो उस क्रिया में, उस स्थिति में विलयन से जो विलायक का कण है विलायक की तरफ जाने लगता है। ये जो लवणी जल है इसमें दो कंडीशन मिलेगा आपको, एक विलेय होगा, विलेय, और दूसरा होगा विलायक। अब जब हम अतिरिक्त इस पर दाब, यानी जितना परासरण दाब होना चाहिए, अगर इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो यह इस दिशा में विलायक गति करेगा, लेकिन हमें इतना फोर्स लगाना है कि ये जो विलायक कण इसके अंदर ना आए, इस विलयन के कण इससे बाहर जाने लगे विलायक के कण। क्योंकि ये जो पार्चमेंट झिल्ली है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि केवल यह विलायक के कण को ही आउटपुट करता है,
तो जब विलय के कण इसे बाहर जाने लगेगा तो इसमें क्या बचेगा, लवण, क्या बचेगा, लवण, और इसका विलय क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस तरीके से विलवणीकरण की क्रिया होती है। विलवणीकरण की क्रिया का मतलब होता है लवण को अलग करना, उसी को विलवणीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में कौन सा विधि लागू होता है, तो प्रतिलोम परासरण। कौन सा विधि लागू होता है, प्रतिलोम परासरण। और आजकल बहुत से देश अपने पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर केवल 3% पीने योग्य जल ही है, 2 या 3%, और जल की कमी को भरपाई करने के लिए आजकल बहुत से देश जो भी समुद्र के किनारे हैं, यह प्रतिलोम परासरण की क्रिया द्वारा ही पीने योग्य जल को प्राप्त कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैं कहा था, नोट कर लीजिएगा, प्रतिलोम परासरण क्या है। स्क्रीन पर जो भी दिखाया गया है उसको मैं कुछ समय तक रोक कर रख रहा हूँ कि आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। नोट हो गया, धन्यवाद।